to our YouTube channel revolt.com. I am Arun Kumar. First of all, I would like to thanks to all the viewers जिन्होंने काफी सारे हमें feedback दिए and comments दिए, right? तो उसके basis पे हमें काफी सारे feedback भी आए हैं काफी parents के, जिनकी request पे अभी हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए IIT coachings के review, right? तो आपके जो friends, जो भी आपके brothers, sisters, जो भी cousins जो कि IIT की preparation कर रहे हैं या करने वाले हैं, right? तो उनके लिए video बहुत helpful है. So please share this video to अपने जो भी लिंक्स में है जो भी IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू फॉर द IIT कोचिंग्स. ओके, सो सबसे पहले हम लेके आए हैं IIT कोचिंग्स में एलएन कोटा राजस्थान का रिव्यू. सो लेट्स स्टार्ट आवर रिव्यू एलएन कोटा राजस्थान. तो जैसा कि हमारे पैरामीटर्स रहते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैकल्टी से. तो अगर हम फैकल्टी प्रोफाइल की बात करें, तो इसमें 80% जो फैकल्टीज हैं दीज आर बीटेक and 10% PhD holders and 10% M.Tech faculties हैं, M.Tech qualified हैं. and अगर मैं बात करूँ कि top colleges से कितने percentage का ratio यहाँ पे है, तो 20% are the top colleges faculty, ठीक है, जो कि काफी अच्छे colleges से हैं. then next है आपका faculty student ratio. तो faculty student ratio is too high, it is 80:1, right? तो 80 students पे 1 faculty का ratio है. देन टीचिंग स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन जो रहेगा वो 75%. एंड अगर मैं बात करूँ डाउट सेशन या फिर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस, तो येस दे हैव डाउट सेशंस. ओके, सो ऑल द थिंग्स को ध्यान में रखते हुए हमारे रिवोल्ट टीम एलएन कोटा राजस्थान के फैकल्टी पैरामीटर्स को देखती है 3.5 थम आउट ऑफ 5. नाउ कम टू द स्टूडेंट डाइवर्सिटी, किस किस तरीके के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं. तो अगर मैं बात करूँ डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तो लोकेशन के बेसिस पे 60% यूपी एंड बिहार, 10-15% राजस्थान एंड 25% पंजाब, हरियाणा, एमपी, झारखंड एंड 5% जो रहता है वो अदर्स की स्टेट्स का रहता है. तो यानी कि साउथ का अगर मैं देखूँ तो बहुत मतलब ना के बराबर ही स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं. देन बाकी एलुमनाई कनेक्शन की अगर मैं बात करूं कि एलुमनाई कितने अभी तक स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होकर जा चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 10 लाख प्लस एलुमनाई का स्ट्रेंथ है एलएन कोटा के लिए. देन मेल फीमेल रेशियो इट इज 80:20 का रहेगा, 80:20, जो कि मतलब इन्हीं का ही नहीं, वो तो इंजीनियरिंग के फील्ड में रहता ही रहता है एज यू नो. देन अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट प्रोफाइल की, किस कैटेगरी का, किस स्टडी लेवल के अकॉर्डिंग किस प्रोफाइल के बच्चे यहाँ पे होते हैं, तो आपका कह सकते हो स्टेट टॉपर, देन गोल्ड मेडलिस्ट या फिर अबव दैट 70%. इंजीनियर बच्चों का 70% है मोस्टली, वो बच्चे यहाँ पे आपको क्राउड देखने को मिलेगा. सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ डाइवर्सिटी, जो कि काफ़ी अभी तक जो हमने देखा काफ़ी अच्छा पॉजिटिव लगा, तो ऑन दैट बेसिस हमारे रिवोल्ट टीम स्टूडेंट डाइवर्सिटी एलएन कोटा के लिए देती है 4.5 थम आउट ऑफ 5. सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें फैसिलिटीज़ के लिए इन एलएन कोटा राजस्थान में, तो फैसिलिटीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे डेमो सेशंस की, डेमो क्लासेस की. तो डेमो क्लासेस नहीं है, राइट. देन आपका क्लासरूम्स की अगर हम बात करेंगे किस तरीके के क्लासरूम्स हैं यहाँ पर, तो एयर कूल विद ऑडियो वीडियो सिस्टम्स के क्लासरूम्स अवेलेबल हैं. देन कैफेटेरिया, तो नो देर इज़ नो कैफेटेरिया. एंड हॉस्टल, तो हॉस्टल अवेलेबल एग्जैक्टली नहीं है, बट वो अवेलेबल है, और वो है तो वो केवल आपका टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जो कि हाई रैंक के बेसिस पे होता है. तो बेसिकली जो नॉर्मल स्टूडेंट जो है स्टार परफॉर्मेंस के लिए ही हॉस्टल अवेलेबल है, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, राइट. देन लाइब्रेरी, तो सेम अगेन कि यस लाइब्रेरी अवेलेबल है, लेकिन वो भी केवल स्टार बैच के लिए और फैकल्टी का ही उनके पास में केवल एक्सेस होता है, तो हर किसी के लिए लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं है. देन डिस्टेंस लर्निंग ऑप्शन, तो यस डिस्टेंस लर्निंग का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इसमें केवल आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो पाएंगी. एक्स्ट्रा करिकुलम, तो एक्स्ट्रा करिकुलम की अगर बात करें, तो यस यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें संस्कार महोत्सव और भी काफी सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं. देन अदर आपका मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग, देन आपका जो कि चित्रलेखा जी हैं उनके द्वारा, देन मिस्टर सिख खेरा हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, उनके द्वारा ये सेशंस लिए जाते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द फैसिलिटीज इन एलएन कोटा राजस्थान. सो सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमारी रिव्यूअर टीम एलएन कोटा राजस्थान की फैसिलिटी को देती है 3 थम आउट ऑफ 5.
सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, सिलेक्शन का किस तरीके का इनका प्रोसेस रहता है, ठीक है? तो सिलेक्शन का, क्योंकि आप कोचिंग लेते हो तो ऑब्वियसली बात है कि सिलेक्शन के लिए ही करते हो कि हमारा IIT वगैरह में सिलेक्शन हो। देन उसमें अगर मैं रेशियो की बात करूँ, सिलेक्शन रेशियो की, तो IIT JEE के लिए स्पेशली, बिकॉज मेन मोटिव तो वही होता है, तो ओवरऑल इनके जो क्लासेस का एवरेज जो जाता है वो 3% का रेशियो है, बिकॉज 10 लाख के अराउंड एनरोलमेंट्स होते हैं। देन उसमें से अगर मैं बात करूँ एवरेज जो जाता है तो 3900 के अप्रॉक्सीमेटली कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका जो रेशियो निकल के आता है दैट इज 3%। देन अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ कॉलेज फॉर सेलेक्शंस, राइट, तो किस तरीके के कॉलेजों में बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो आपका IIT, NIT, IIIT, देन आपका LPU, VIT, SRM, BITS, LMNIT, राइट? तो दीज आर द जो कॉलेजेस हैं कि इनमें बच्चों का सिलेक्शन होता है आफ्टर द LN कोचिंग, ठीक है? देन उसके बाद हम बात करते हैं फेमस एलुमिनाई टॉपर के, यहाँ से क्या कोई टॉपर निकला है, कोई ऐसा एलुमिनाई है? तो यस ऑफकोर्स है, जैसे कि कार्तिकी गुप्ता हैं जिन्होंने रैंक 1 लिया था 2019 में, एंड अमन बंसल हैं जिन्होंने भी रैंक 1 लिया था इन 2016 में, और भी काफी सारे हैं जो कि टॉप 10 रैंक्स में आते हैं कैंडिडेट्स। तो हमने केवल अभी दो के लिए यहाँ पे मेंशन किया जो कि लास्ट 4 इयर्स में या 3 इयर्स में आपका रैंक 1 की पोजीशन पे थे, बाकी टॉप 10 में भी आप काफी स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे देख सकते हो। देन कॉलेज का फैकल्टी परसेप्शन क्या है, यानी कि आपकी जो फैकल्टी है यहाँ, मतलब जो कॉलेजेस में आप अगर आप LN से कोचिंग करके जाते हो तो वहाँ की फैकल्टी का परसेप्शन क्या रहता है कि अगर ये बच्चा LN से पढ़ के आया है तो इसका किस लेवल का माइंडसेट होगा? तो अगर मैं बात करूँ उस परसेप्शन की, राइट, बिकॉज एक इमेज हमारी क्रिएट होती है हर एक बैकग्राउंड के बेसिस पे, तो वो जो फैकल्टी का परसेप्शन आपके लिए रहेगा दैट इज A+ का रेटिंग उसमें माइंड में जाएगा। इट मीन्स कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, राइट? सो ओवरऑल जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसमें हमारे रिवोल्टर टीम ने LN कोटा राजस्थान के लिए दिए हैं 3 thumbs out of 5। तो आइए बात करते हैं आखिरी पैरामीटर जो कि एडमिशन का रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, तो वैसे तो डायरेक्ट भी है एडमिशन, बट इनके एक दो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, दैट इज ASET और TalentX, राइट? तो ये दो स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम है, राइट, तो ये होते हैं। देन आपका एलिजिबिलिटी जो रहती है वो आफ्टर 10th होती है, आफ्टर 10th के बाद, ऐसा नहीं है कि आप आफ्टर 10th के बाद प्रिपरेशन करोगे, मतलब इन द सेंस कि आपका जो 11th 12th है वो वही होगा, राइट? एंड फी की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो इनका काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं कि किस लेवल पे आप अपना एंट्री लेना चाहते हो, आफ्टर 10th, आफ्टर 11th, आफ्टर 12th, तो उसी के हिसाब से उन्होंने लेवल यहाँ तो बनाए हुए हैं। अगर मैं ऑनलाइन एवरेज अगर आपका फी कैलकुलेट करूँ बेसिस पे, तीनों के लेवल के बेसिस पे, तो आपका 1.4 lakh पर एनम का फी आता है, डिपेंड ऑन द लेवल। देन हॉस्टल फी, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मतलब हॉस्टल अवेलेबल नहीं है तो वो आपका कोई मेंशन नहीं रहेगा। देन स्कॉलरशिप टेस्ट, अगर आपकी बात करें स्कॉलरशिप जो कि यहाँ पे मिलती है, तो अप टू 90% का स्कॉलरशिप रहता है, वो भी डिपेंड करता है आपकी मेरिट के बेसिस पे बोर्ड एग्जाम में या फिर और भी काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम, स्टेट लेवल का आपका कैसा है, नेशनल लेवल का आपका कैसा है, तो कितना परसेंटेज आपका बाकी के एंट्रेंस एग्जाम है, JEE के एग्जाम में या फिर कोई और भी एग्जाम आपने दिया हुआ है, जैसे इनके भी एग्जाम जैसे कि मैंने बताया ASET और TalentX, राइट, तो उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ऑन दैट बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप अप टू 90% का मिलेगा। देन अदर इंस्टीट्यूट का प्रेफरेंस बाय द पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स को LN के अलावा और कौन कौन से प्रेफरेंसेस हैं जो कि माइंड में रखने चाहिए या फिर रखते हैं पेरेंट्स, राइट? तो वो है आपका आकाश, फिरची, रेजोनेंस एंड न्यूक्लियस एजुकेशन, राइट? तो दीज आर द इंस्टीट्यूट जो कि LN के अलावा भी पेरेंट्स के माइंड में आते हैं। देन टोटल इनटेक की अगर बात करें 1 lakh+ कोर्सेज के लिए। देन ड्रॉपआउट्स की, क्योंकि काफी बच्चे ऐसा भी होता है कि नहीं हमें नहीं करना, जो भी रीजंस रहते हैं उनके, तो जो ड्रॉपआउट्स का रेशियो है दैट इज 15%, राइट? तो ऑल सारी चीज़ें वो ध्यान में रखते हुए अगेन हमारे रिव्यूअर टीम LN के एडमिशन प्रोसेस को देती है 2.5 thumbs out of 5। सो दिस वाज ऑल अबाउट द LN कोटा राजस्थान IIT कोचिंग, राइट? एंड
हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इनके कॉन्स के क्या क्या इनके कॉन्स हैं और उनकी ओवरऑल रेटिंग हमारी वीडियो में. सो कीप वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच.